बोनट में भी पैनल गैप्स थे, मतलब एक साइड से ये बहुत ज्यादा उठी हुई थी और एक साइड से दबी हुई थी। कभी कभी ना इसकी पावर लॉस हो जाती है, खासकर एसी ऑन होती है तब। आप रेस देते रह जाते हो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में रेस देते रह जाते हो, गाड़ी बढ़ती नहीं आगे। मैं जब गया था सर्विस सेंटर पे तो जो सुपरवाइजर थे वो बोले नहीं ये तो सारी गाड़ियों में है। अच्छा नहीं है। अच्छा मैंने कहा यार सारी गाड़ी में होता सबसे पहली चीज तो ये डिफेक्ट क्यों आ रहा है। माइलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। नॉर्मली फोर सिलेंडर गाड़ियों का जब मैं सुनता हूँ उनका अगर फिक्स कर दिया 18 तो वो 18 से 20 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 18 ही रहेगा ये 21 22 से गया हूँ मैंने 25 निकाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ टाटा पंच एकॉम्प्लिश का रिव्यू करने के लिए, और ये रिव्यू मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहले किया था इस गाड़ी में काफ़ी दिक्कत थी और अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इस गाड़ी की दिक्कत सारी दूर कर चुकी है टाटा मोटर्स। और कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से की है और कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से की है ये बताएंगे हमारे पीयूष भैया। तो मिलते हैं पीयूष भैया से। कैसे हमारे पीयूष भैया? बढ़िया भाई, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा था पिछली बार आपसे मिलके और इस बार भी बहुत अच्छा लग रहा है। और गाड़ी में काम हो गया, आपकी गाड़ी के अंदर सारा काम हो गया मुझे लग रहा है आपके चेहरे की स्माइल देखे। पिछली बार हुआ ऐसा था कि भैया हमारे थोड़े से उदास थे क्योंकि गाड़ी में ना, अब यार नई गाड़ी में कोई भी दिक्कत आएगी ना तो आप भी थोड़े से उदास हो जाओगे। अब ठीक हो चुकी है तो पीयूष भैया के जो चेहरे की स्माइल है वो भी दोबारा लौट कर आ चुकी है और गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और पीयूष भैया आज स्पेशली गाड़ी को धुलवा के लाए हैं, पिछली बार गाड़ी थोड़ी गंदी थी और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार पीयूष भैया ने मुझे अभी भी बताया कि मैंने इस बार गाड़ी वॉश करा के लाया हूँ क्योंकि पिछली बार मेरी गाड़ी गंदी थी। अब इस बार आज मेरी गाड़ी गंदी है और पीयूष भैया की चमक रही है, पर चलो कोई बात नहीं। पीयूष भैया क्या क्या काम कराया और कंपनी वालों ने किस हद तक अच्छा काम किया या बुरा काम किया वो भी बता दो, और जो भी बोलोगे सच बोलना, सच के अलावा कुछ मत बोलना, झूठ तो यहाँ चलता ही नहीं है। तो पहले क्या था ये पोपट हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, काटूंगा नहीं। तो पहले क्या था इसका इशू ना, ये डिक्की जो है ये बंद नहीं होती थी। अच्छा, और बंद नहीं होगी तो लॉक नहीं होगी, लॉक नहीं होगी। अभी ये बड़े आसानी से लॉक हो जाती है, लग गई ये डिक्की। पहले बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती थी। हाँ, पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत ज्यादा आप इसको तेज लगा रहे थे। अच्छा, अब आराम से लग जाती है। मैंने जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर वाले ने, मैं जब गया था सर्विस सेंटर पे तो जो सुपरवाइजर थे वो बोले नहीं ये तो सारी गाड़ियों में। अच्छा अच्छा मैंने कहा यार सारी गाड़ी में होता सबसे पहली चीज तो ये डिफेक्ट क्यों आ रहा है। अगर कोई भी चीज असेंबली होती है तो ये डिफेक्ट नहीं आता, नहीं आता क्योंकि वो प्रॉपर असेंबली होती है। बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से एक जो बंदा है काम करने वाला है, बोला भैया मैं कर दूंगा। अच्छा, मैं तो कर दिया। चलो, उसने इसको खोला, थोड़ा आगे गया, ये दिक्कत मुझे भी, मैंने बताई भी थी अपनी वीडियो के अंदर कि भैया अगर किसी का अगर इसमें पैनल गैप्स आ रहे हैं ना बैक डिग्गी के अंदर आपके, तो आप इसको एडजस्ट करा लीजिए, आपके जो बैक साइड के पैनल गैप्स है वो हट जाएंगे। और अगर कंपनी के अंदर जाते हो और ये बोलते हैं ना कि भैया ये कंपनी से पहले से ही आया, मतलब प्लांट से ही ऐसी आई है, तो भाई प्लांट से ऐसे कोई भी गाड़ी नहीं आती है और ये जो दिक्कत है ना वो इजीली दूर हो जाती है। भाई इसको थोड़ा सा ठोकना पीटना पड़ता है, उसके बाद में आपकी जो डिग्गी के पैनल गैप्स हैं वो गायब हो जाएंगे और पीयूष भैया की गाड़ी के भी हो चुके हैं। और दूसरी दिक्कत क्या थी, एक हमारे पैनल गैप्स मेरे हिसाब से आगे बोनट में भी थे ना, बोनट में भी हमारे इसमें इस गाड़ी में ना बोनट में भी पैनल गैप्स थे, मतलब एक साइड से ये बहुत ज्यादा उठी हुई थी और एक साइड से दबी हुई थी। अभी के ये उठी हुई थी ना, हाँ हाँ, इन्होंने ये जो रबर है, हाँ हाँ, रबर से ही एडजस्ट होता है ये जो रबर है, इसको अगर अच्छे से टाइट कर दोगे, हाँ हाँ, इसको यहाँ से उठा दो हल्की और यहाँ से इसको टाइट कर दो, जो मिस बैलेंस है ना वो पूरी बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और वही हुआ होगा। हाँ, उन्होंने यहाँ से ये बैलेंस कर दिया। हाँ, अब प्रॉपर लग रही है कि हाँ प्रॉपर फिनिशिंग के अंदर है। पहले ना एक जगह से थोड़ा सा उठा हुआ था, एक जगह से थोड़ा सा दबा हुआ था तो बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी, बट अब गाड़ी की लुक है ना वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है क्योंकि यार ये छोटी छोटी चीजें होती है ना यही गाड़ी को अच्छा और बुरा बनाती है। और सर्विस मतलब रिस्पॉन्स कैसा रहा उन लोगों का जब आप गए सर्विस सेंटर के अंदर, तो उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया आपको? एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि इसका टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, टाटा के लोग बिहेवियर अच्छा नहीं करते, जो भी चीज़ें थी उनकी, बट मुझे ऐसा लगा नहीं। उन्होंने बढ़िया अच्छे एसी रूम में बिठाया, उन्होंने बोला कि ठीक है सर हम बात करते हैं, देखते हैं क्या इश्यूज़ हैं। फिर जब मैं फिर मुझे बुलाया क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सर बताइए आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उनको प्रॉब्लम्स बताई कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन्होंने जो सुपरवाइज़र थे, मे भी उनको शायद पता नहीं होगा कि ये एक इशू है, क्योंकि वो सभी गाड़ी में थी, उन्होंने मुझे सारी गाड़ियां दिखाई जहाँ पे जितनी पंच थी, एकॉम्प्लिश्ड थी, वहाँ पर एडवेंचर भी थी, वहाँ पे क्रिएटिव मॉडल भी खड़ा था जो काजीरंगा एडिशन का है वो भी था, सब में सेम था पैनल, डिग्गी वाली पैनल गैप्स तो सब में थी, सब में थे। हाँ, तो मैंने उनको यही समझाया था, मैंने कहा अगर एक गाड़ी में एक
लॉट में अगर एक गाड़ी में इश्यू है ना तो वो सब में हो सकता है। हाँ। क्योंकि वो एक ही लॉट से निकली, एक ही लॉट से निकली है, तो वो अगर हम सर्विस में आके हम बात करते हैं, अगर आप कॉल कर सकते हो तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, मेरे पास उनका एक फीडबैक भी था कि सर अगर हमें नहीं पता है तो हम वहाँ बात करके फिर आपका सॉल्व करवाएंगे, हमें अभी ट्रेनिंग बाकी है, हम ट्रेनिंग करके फिर आप गाड़ी का और सॉल्व करेंगे, क्योंकि नई गाड़ी है अभी मार्केट में, बिल्कुल बिल्कुल, बुकिंग इतनी ज्यादा चल, बहुत ज्यादा है, इस टाइम ट्रेंडिंग में है ये गाड़ी और बहुत ज्यादा सेल आउट हुई है, और टाटा का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और आज की डेट में जब भी आप टाटा के सर्विस सेंटर जाते हो ना तो आपको एक रिश्तेदार की तरह ट्रीट किया जाता है भाई, पहले की तरह ट्रीट नहीं करते कि गाली गलौज हो गया, बहसबाजी हो गई और मारना पीटना भी हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, पहले से बहुत ज्यादा सुधार आ चुका है। और ये सुधार आपको भाई के चेहरे की स्माइल देख के पता लग रहा होगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं आया था ना तो मैं सच बता रहा हूँ पीयूष भैया जो है ना वो बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि यार नई गाड़ी लेने के बाद ना और ऐसी दिक्कत आती है तो यार सबका उदास होना लाजमी है, जो कि हमारे पीयूष भैया भी थे, बट इस बार जब मैं आया तो पीयूष भैया बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं और इनको देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और अब इस गाड़ी के अंदर और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सिर्फ एक दिक्कत जो भी आप थोड़ी देर मुझे बता रहे थे पहले वो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर को भी पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम गाड़ी के अंदर चले, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो पैनल गैप्स वगैरह सब कुछ दूर हो चुके हैं और अब गाड़ी एक नंबर की हो चुकी है। तो पीयूष भैया क्या दिक्कत आ रही है अब आपको इसमें? अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि ECU वगैरह का कुछ अपडेट आ रहा है, बिल्कुल ECU की प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल। पहले मैंने नजरअंदाज किया, फिर कुछ वीडियोस मैंने देखे, उन्होंने बोला कि भाई इसकी प्रॉब्लम की वजह से पावर लैग होती है, होती है, पावर चली जाती है गाड़ी में, आप रेस देते रहो। फिर मैंने कहा, मैंने रिलेट किया क्योंकि वही चीज मेरी गाड़ी में हो रही है, कभी कभी ना इसकी पावर लॉस हो जाती है, खासकर AC ऑन होती है तब, आप रेस देते रह जाते हो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में रेस देते रह जाते हो, गाड़ी बढ़ती नहीं आगे। अच्छा, हाँ, फिर वापस आपको गाड़ी, तो ऐसा आपका, ऐसा आपका मतलब कई बार हुआ है या सिर्फ एक आधी बार हुआ है? कई बार हुआ है। अच्छा, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, क्योंकि ये चीज तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है, क्योंकि जब आप गाड़ी किसी को ओवरटेक कर रहे होगे ना और उस टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है तो भाई ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। नहीं, ओवरटेक में क्या, हम स्पीड में रहते हैं, हम ज्यादा स्पीड में, तो उस टाइम पे फर्स्ट गियर सेकंड गियर लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता, तो हम वैसे ही फोर्थ फिफ्थ पे होते हैं, तो वहाँ इश्यूज नहीं आते। अच्छा, कम स्पीड में, अच्छा कम स्पीड में, सिटी में, अगर आप सिटी में चल रहे हो और ट्रैफिक अच्छा खासा है, आप 40 से ऊपर ले जा नहीं सकते, आपने गाड़ी रोकी क्योंकि सामने वाले ने रोक दी, बिल्कुल, अब आपने गियर डाउन किया, मे बी आप सेकंड गियर में आ गए, उस टाइम पे मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी झटके लेने लगती है या फिर रेस ही नहीं पकड़ती। अच्छा, तो अब जो सर्विस सेंटर गए थे तो आपने एक बार ना आप इसके प्लग वगैरह भी चेक करवा के देख लो, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे को भी ऐसी दिक्कत आ रही थी, आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो, क्योंकि आपकी गाड़ी में मुझे ज़्यादा दिक्कत लग रही है, ये वाली जो आपने मुझे बताई है, मेरी गाड़ी में इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ी सी मिसिंग मार रही थी, तो मैंने उसके प्लग वगैरह चेंज करा दिए चारों, तो उसके बाद में वो दिक्कत दूर हो गई है। बट ये जो दिक्कत आप मुझे बता रहे हो ना कि आप रेस देते हो फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, तो ये मे बी शायद ECU की ही अपडेशन की दिक्कत होगी, आप जाओगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये जो दिक्कत आई है वो आपको बाद में आई है या फिर आप जब सर्विस सेंटर जाके गए थे उस टाइम से पहले ही आ रही थी? नहीं, ये जो इश्यू था ना ये मेरे को पहले लग रहा था कि नई गाड़ी है। अच्छा, तो शायद हो सकता है उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं होता, नहीं होता, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम मैंने नोटिस नहीं किया, नोटिस कर लिया तो वो चीज मैं देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। पहले आपने जब लास्ट रिव्यू किया था 900 किलोमीटर चली थी, हाँ बिल्कुल, अब 3200 चल चुकी है, बिल्कुल थोड़ा सा आ गया एक्सपीरियंस में कि हाँ गाड़ी में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बात भी की थी, मैंने उनसे बात की थी टाटा सर्विस वालों से, बोला कि पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया, फोन पे भी बहुत अच्छे से बात की, फिर सर आप अपना नंबर नोट करा दीजिए, मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको, आप ठीक है? मैं कहा ठीक है, फिर अभी मैं यहाँ से फ्री होके अब टाटा सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर ही जाओगे। ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था कि जब आप आए थे उस दिन भी आप सर्विस सेंटर ही जा रहे थे और आज भी आप सर्विस सेंटर ही जा रहे हो, तो चलो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके सर्विस सेंटर जाने से पहले ही मैं आपकी गाड़ी का जो वीडियो बना लेता हूं और अपने सब्सक्राइबर्स तक वो सारी दिक्कतें पहुंचा देता हूं, ताकि उनको ये दिक्कत फेस करने को ना मिले और आपकी मदद से ना उनको भी काफी सॉल्यूशन मिल जाते हैं घर बैठे ही, तो उन्हें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी गाड़ी में एकदम से क्या हो गया ये, तो यार वीडियो से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है ना, और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल होता है, क्योंकि जो मेरी डिक्की की प्रॉब्लम थी वो मेरे को सर्विस सेंटर वाले को कन्विंस करने में बहुत इजी हुआ, क्योंकि आपकी डिक्की बड़ी इजीली बंद हो जाती है, बिल्कुल मेरी वाली नहीं होती। हाँ। तो मैंने उनको, वो मुझे बोल रहे थे नहीं ये कंपनी से, मैंने उनको जब आपका वीडियो दिखाया, देखो भाई हमने वीडियो शूट किया है और इस वीडियो में इनके क्लियर लग रहा है, हमारे बहुत पावर लग रही है, बिल्कुल, तब वो कन्विंस हुए थे, तब उन्होंने मुझसे बोला था कि हम फिर टाटा में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, हो सकता है हमारी ट्रेनिंग का है तो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसमें हम आपकी क्वेरी रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। चलो ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारी वीडियोस कहीं तो काम आ ही रही है। हाँ,
ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा इस बार आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, पिछली बार भी किया था, और आपकी गाड़ी के अंदर सारी दिक्कत परेशानी अब दूर हो चुकी है। ये जो दिक्कत है ये भी दूर हो जाएगी, ये भी इतना बड़ा कोई इशू है नहीं है। बाकी जो पैनल गैप्स है ना उसकी वजह से थोड़ी गाड़ी बुरी लग रही थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा भाई। गाड़ी की लुक एकदम से चेंज हो चुकी है और गाड़ी का एसी हर बहुत अच्छा है भाई, थोड़ी देर में ही ठंडा कर देता है। तो काफी अच्छी गाड़ी है भाई, स्पेस की कोई कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और मेरी भर भर के मैंने वीडियो बना रखी है, आपको सारी चीजें पता लगी जाएगी। फिलहाल अभी पीयूष भैया से एक दो चीजें और पूछ लेते हैं। पीयूष भैया आप इस बार कितने नंबर देना चाहोगे टाटा की सर्विस को लेके, जो सर्विस सेंटर में आप गए, जो भी बिहेवियर था और जिस तरीके से आपकी गाड़ी का काम हुआ? 10 में से 9.5 दस में से 9.5 आधा भी मुझे लग रहा है आपने उस बंदे का काटा होगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड गिव आंसर की मैं पता करके बताऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा ही है, आप ऐसा मत बोलो। नहीं बोलो, अगर आपको नहीं पता है बिल्कुल, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उनकी आंखों के सामने सॉल्व हुई, तो आप कैसे कह सकते, कैसे कह सकते गड़बड़ है। नहीं है ऐसा, कई जगह पे होते हैं थोड़े बहुत लोग, ये थोड़े बहुत लोग ही कंपनी का नाम डुबवाते हैं, बाकी हर बंदा नहीं होता। जैसे कि आपने मुझे बताया कि दूसरा बंदा आया और उसने आते ही गाड़ी के अंदर जो भी दिक्कत थी वो दूर कर दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा भैया बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए हर कंपनी के अंदर। अगर कोई काम को इग्नोर कर रहा है ना तो दूसरे बंदे को आके उस काम को संभाल लेना चाहिए और अपनी इमेज बचानी चाहिए। जितना बचाओगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे भाई, वो बहुत अच्छी बात है, उनकी भी नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए है। और पीयूष भाई और कुछ ऐसा जो आप अपनी गाड़ी के अंदर बताना चाहें, जो हमारी ऑडियंस को कुछ फील जो आ रही है आपको, गाड़ी लेके फील कैसा आ रहा है? गाड़ी लेके फील मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने 1 टाइम में 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं पहले सोचता था कि मैंने i20 लेनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं 900 किलोमीटर चलाया, घर गया था, फिर वहां से गांव गया, ऑफ रोडिंग तरक्की भी हुई काफी सारी, गांव तरफ ना रोड, ऑफ रोडिंग में तो बहुत अच्छी गाड़ी है ये, तो वहां जाके मुझे इतना प्राउड फील हुआ, प्राउड फील हुआ यार, मैंने अच्छा किया टाटा पंच लेके, क्योंकि टाटा पंच कहीं से कहीं तक नीचे लगने के चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, जैसे भी आपको चलानी है चला सकते हो, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी के। सबसे मुझे ना खुद को इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे लगते हैं, कितने मर्जी गड्ढे उड्ढे में कुदाओगे ना तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, एकदम जो धचका लगता है ना पेट में दर्द होना चालू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई ना मेरे शोल्डर पेन हुए ना मेरा बैक पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग था तो बीच में मेरे को रेस्ट लेना पड़ा था, लेकिन वापस इजी हो गया और बड़े आराम से। वन गो में ये कह लो हम टोल पे रुकते थे, अच्छा 10-5 मिनट के लिए, अच्छा उसके अलावा कोई स्टॉप नहीं, कोई स्टॉप नहीं है। वाह भाई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 900 किलोमीटर का आपने अगर ऐसे ट्रैवल किया और नॉन स्टॉप, क्योंकि नॉन स्टॉप ही कहेंगे हम उसे, 5-10 मिनट के रुकने को कोई रुकना नहीं कहते, बाकी बहुत अच्छी बात है भाई। कंफर्टेबल तो ये गाड़ी है, इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल है और गाड़ी अच्छी है। कंफर्ट आप ऐसे कर सकते हो कि वापसी जब हम आ रहे थे ना, हमने 21 घंटे गाड़ी चलाई भाई साहब, सोचने वाली बात है। तो देख रहे हो आप हमारे टाटा पंच लेके हमारे भैया कितने ज़्यादा खुश हैं, और ये खुशी बरकरार रहेगी जब तक टाटा कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती रहेगी और अपनी छोटी मोटी जो कमियां हैं इन्हें भी दूर करती रहेगी, क्योंकि वो दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था ना, मेरा ही मन उदास था भाई, क्योंकि मैंने जब इनको देखा और इनकी गाड़ी को देखा, इनका मतलब फेस उतरा हुआ था, क्योंकि यार नई गाड़ी जब बंदा कोई लेता है ना बड़ी उम्मीदों के साथ लेता है और गाड़ी में ऐसी दिक्कत आ जाए तो भाई दिल टूट जाता है, तो बुरा लगा था। इस बार मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा मजा आया। एक पॉइंट और है, बिल्कुल बताइए, हाईवे का माइलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। नॉर्मली 4 सिलेंडर गाड़ियों का जब मैं सुनता हूँ उनका, अगर फिक्स कर दिया 18, हाँ, तो वो 18 से 20 नहीं जाएगा, 18 ही रहेगा। ये 21-22 से गया हूँ, मैंने 25 निकाला है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तक चलाने वाला होना, और अगर बंदा ढंग से चला रहा है तो भाई एवरेज देती है गाड़ी 21-22 की एवरेज, ये नॉर्मल देती है। मेरी गाड़ी 24,000 से 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब आप सोचो कि मैंने अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे 7-8 महीने हुए गाड़ी लिए और मैंने 25,000 किलोमीटर चला दिए, पैसा लगता है यार। और मेरी गाड़ी अच्छी खासी एवरेज देती है और पीयूष भैया की गाड़ी भी बहुत अच्छी एवरेज दे रही है जिस तरीके से इन्होंने अभी बताया, और काफी अच्छा लगा पीयूष भाई। आपकी गाड़ी में अब पहले से बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिले और आपके चेहरे पे जो स्माइल देखने को मिली वो ज्यादा अच्छी लगी मुझे, और बस ऐसे ही गाड़ी चलाते रहिए और मजा लीजिए अब गाड़ी से, क्योंकि जो कमियां थी वो दूर हो चुकी है, अब तो सिर्फ मजा लेना ही बाकी बचा है। तो मिलेंगे आपसे फिर कभी, बस ये छोटा सा रिव्यू था और आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था भाई, इसलिए मैं दोबारा आया पीयूष भैया से मिलने के लिए कि भाई एक बार मिलो मुझे और मुझे बताओ कि गाड़ी में जो जो काम हुआ है वो किस हद तक हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, सबको पता लगना जरूरी है। और इसीलिए मैं पीयूष भैया से मिलने के लिए आया, और गाड़ी की जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और पीयूष भैया पहले से बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना। अभी के लिए बाय बाय।